उधर होशंगाबाद में नर्मदा की भीषण बाढ़ के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाव में सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। सीएम ने इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों का हालचाल भी जाना है, साथ ही उन्हें भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें भी वितरित की है। सीएम के दौरे के दौरान आर्मी के जवान उनके साथ रहे। सीएम आर्मी की बोट पर ही बैठकर बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचे थे। इस दौरान वह स्थानीय अधिकारियों से हालात के बारे में भी जानकारी लेते नजर आए। सीएम को देख टापू में तब्दील गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीएम ने उनसे कहा कि लोग धैर्य रखें, जल्द ही इस कठिनाई से सभी को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि नुकसान का कोई आकलन हो गया हो। आज फौरी आकलन, अभी भी आप देख रहे हैं खेत डूबे हुए हैं सारे के सारे, मीलों यहाँ से पानी पानी दिखाई दे रहा है। थोड़ा पानी और कम हो उसके बाद प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाएगा, नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके बाद हम राहत भी देंगे और जो नुकसान होगा केंद्र को भी प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसमें आकलन करके भेजेंगे।